नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। डायबिटीज़ हमारे देश में एक महामारी का रूप ले चुकी है और 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हर 8 इंडियंस में से एक इंडियन डायबिटीज़ से पीड़ित है। और डायबिटीज़ हमारे शरीर के सर से लेकर पांव तक लगभग हर बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करती है, चाहे वो हमारा दिमाग हो या फिर हमारी आंखें हो, दिल हो, लिवर हो, आंते हो, किडनीज हो, इवन हमारे जो पांव हैं वो भी डायबिटीज से नेगेटिवली इम्पैक्टेड होते हैं। और जो डायबिटीज की दवाइयां हैं, चाहे वो इंसुलिन हो या फिर शुगर लोअर करने वाली ओरल मेडिकेशंस, हमें जिंदगी भर लेनी पड़ती है। तो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? और अगर डायबिटीज रिवर्सिबल है तो ये कैसे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, और क्या कारण है डायबिटीज के रिवर्स होने के? किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से डायबिटीज रिवर्स हो जाती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये पूरा वीडियो एलोपैथिक मेडिसिन पर बेस्ड है, और जो भी फैक्ट्स हमने इस वीडियो में कोट करे हैं वो हमने रेपुटेटेड मेडिकल जर्नल्स जैसे कि लैंसेट या फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जर्नल्स जैसे कि डायबिटीज केयर और डायबिटीज, इन जर्नल से बैक्ड अप फैक्ट्स हमने इस वीडियो में शेयर करे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। इसका जवाब है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हमारे शरीर में इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, प्रतिरोध डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल्स ये बढ़ जाते हैं। पर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है हमारे शरीर में वो सही से हो ही नहीं पाता, और जब इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा हमारे शरीर में तो उसे आपको बाहर से एज सप्लीमेंट एज मेडिकेशंस आपको लेना ही पड़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस रिवर्स हो सकता है, पर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस रिवर्स नहीं हो सकता। और लैंसेट मेडिकल जर्नल के एक आर्टिकल में 3 स्टडीज को कंपेयर किया गया था, और ये पाया गया कि टाइप 2 डायबिटिक इंडिविजुअल्स जिनका BMI 27 से ज़्यादा था, उनमें अगर 15 kg 15 किलो से ज़्यादा का वेट लॉस करा जाए तो उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वेट लॉस से डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में वेट लूज करने का सही तरीका क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स को कितनी कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए जिससे कि वो इजीली और सेफ तरीके से अपना वेट लूज कर सकते हैं। पर जब भी डायबिटिक पेशेंट्स अपनी कैलोरीज को कम करें, उससे पहले वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, और अपने जो इंसुलिन का जो डोज है या फिर जो ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं शुगर कंट्रोल करने वाली, उनकी उसकी डोज को आप एक बार एडजस्ट करा लें, और साथ में ब्लड शुगर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। तो पहले हम बात करते हैं कि करंट वेट या यानी कि जो आपका एट प्रेजेंट वेट है इसको मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन विथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर 33 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मेन विथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि जिनका बैठे रहने का काम ज़्यादा है उनको 28 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट है। विमेन विथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर 28 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट। एंड विमेन विथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि वही जिनका बैठे रहने का काम ज़्यादा है या फिर एक्टिव कम है, उन्हें 22 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की ज़रूरत है अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अपना करंट वेट यानी कि जो एट प्रेजेंट आपका वेट है उसको मेंटेन करने के लिए कितना टोटल कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है पर डे का।
अब हाफ टू 1 kg वेट पर वीक लूज करने के लिए 500 से 1000 कैलोरीज अब आपको सब्सट्रैक्ट करनी है अपने टोटल कैलोरी इंटेक से, जो कि अभी हमने पहले निकाली थी, उससे आप 500 टू 1000 कैलोरीज को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए हाफ टू 1 kg बॉडी वेट पर वीक लूज करने के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाता हूँ। एक 90 kg के सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले मेल को 2520 कैलोरीज अपना करंट वेट, जो उसका एट प्रेजेंट वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए, और अगर वो हाफ टू 1 kg वेट पर वीक लूज करना चाहता है तो उसे अब इस 2520 कैलोरीज में से 500 टू 1000 कैलोरीज को सब्सट्रैक्ट करना है, जिससे कि उसका पर डे कैलोरी इंटेक अब आएगा 1520 से 2020 कैलोरीज पर डे की रेंज में। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आपको कितनी कैलोरीज पर डे लेनी है जिससे कि आप सेफ तरीके से अपना वेट लूज कर सकें। और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, वो कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को प्राइमरी रिस्ट्रिक्ट करना है। प्रोटीन्स को आप अच्छे से लें और फैट्स भी आप नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप रोज़ाना एक्सरसाइज की आदत डालें, और अडल्ट्स में जो रिकमेंडेशन है एक्सरसाइज का वो है 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी। और मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी में आता है साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि तेज कदमों से चलना। तो इन चारों एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी आप हर हफ्ते 150 मिनट तक करिए। तीसरा, बेरियाटिक सर्जरी यानी कि मोटापा कम करने वाली सर्जरी, इसे भी एसोसिएटेड पाया गया है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के रिवर्सल के साथ। पर बेरियाटिक सर्जरी हर किसी को नहीं करानी चाहिए, इसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं, और वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, और अगर वो सही मान उन्हें सही लगता है तभी सर्जरी को कराना चाहिए, वरना इसके बहुत नुकसान भी है बेरियाट्रिक सर्जरी के। अब हम बात करते हैं क्यों वेट रिडक्शन से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस रिवर्स हो जाती है। तो मोटापे से यानी कि ओबेसिटी से लिवर में, मसल्स में फैट का यानी कि चर्बी का डिपोजिशन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, प्रतिरोध डेवलप हो जाता है, और इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता, सही से शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, और इसी वजह से हमारे शरीर में जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, फैट डिपोजिशन की वजह से जो बीटा सेल्स है, ये इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं, इनका फंक्शन खराब हो जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन वो भी सही ढंग से हो नहीं पाता। अब जब हम वेट लूज करते हैं तो हमारे शरीर में चर्बी होती है यानी कि फैट होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से बीटा सेल्स का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, वो सही ढंग से सही अमाउंट में इंसुलिन बना पाती है, और दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी सही हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल आ जाते हैं। और वेट रिडक्शन के इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि वेट रिडक्शन से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज हो सकता है, दूसरा आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नॉर्मल की तरफ आ जाता है, साथ में डायबिटिक्स में वेट लूज करने से स्ट्रोक यानी लकवे के की जो रिस्क है वो कम हो जाती है, हार्ट अटैक इसकी रिस्क कम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना वेट आप अपनी हाइट के हिसाब से नॉर्मल रेंज में रखें, और एशियन BMI क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें तो इंडियंस को अपना BMI 18.5 से 22.9 की रेंज में ही रखना चाहिए, वही इंडियंस के लिए नॉर्मल रेंज है। तो बस यहीं तक था आज का हमारा डिस्कशन। हेल्दी रहें, फिट रहें। थैंक यू, धन्यवाद।